ईद मिलादुल नबी यानी बरवफात पर मुस्लिम समाज द्वारा मंगलवार को महानगर के विभिन्न मोहल्लों से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया तथा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया गया। गौरतलब है कि मिलादुल नबी एक ऐसा त्यौहार है जो इस्लाम के मानने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की शुरुआत हो चुकी है। इस माह की 12 तारीख को अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। जाहिर है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पूरी दुनिया में बसे मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र हैं, लिहाजा उनके जन्म का दिन मिलादुल नबी भी इस्लाम के मानने वालों के लिए बेहद खास है। यह पर्व दुनिया भर में, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में यह दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को ही ईद मिलादुल नबी या फिर बरवफात कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस साल यानी 2021 को पैगंबर हजरत का जन्मदिन 19 अक्टूबर को मनाया गया। इस मौके पर इस्लामिक झंडे और तिरंगे के साथ विभिन्न मोहल्लों से जुलूस निकाला गया और लोगों को शांति और अमन का संदेश दिया गया। इमामबाड़ा स्टेट मियां साहब की गैर मौजूदगी में इमामबाड़ा से जुलूस निकाला गया। बरवफात के जुलूस के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जहां जहां से जुलूस निकला वहां ट्रैफिक डायवर्जन किया गया तथा जिस क्षेत्र से जुलूस निकला उस क्षेत्र के बीच पुलिस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई थी तथा आम जनता के सहयोग से जुलूस सकुशल सम्पन्न हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समद, गुफरान, साजू और दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ते रहे बाद वो है तराम। जुलूस मोहम्मदी का मतलब है I'm
साहब का जन्मदिन है, उनकी मूर्ति में निकाला जाता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है, ठीक है, उनके जन्मदिन की बधाई में निकाला जाता है। आज उनका जन्मदिन है नबी साहब का, ठीक है। हम वतन को नरकटिया मोहल्ले से पूर्व पार्षद प्रत्याशी पूरा फाटक वार्ड नंबर 52। ये हर साल की तरह इस बार भी बादे नमाज जोहर निकला है यहाँ पे मियां बाजार पूरा फाटक नौजवान कमेटी की जानिब से, और हर साल ये निकलता है और इस जुलूस को मियां साहब ही यहाँ से रवाना करते हैं, लेकिन चूंकि आज वो शहर से बाहर हैं उस वजह से आज वो शरीक नहीं हो पाए, इंशाल्लाह अगली बार वो फिर शरीक होंगे। हमारा ये इसका हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ है और इसको हर मुसलमान मिलजुल कर बहुत हंसी खुशी से व्यंजन पकवान बनाता है, और जो हमारे पैगंबर साहब ने एक संदेश दिया था कि आपसी भाईचारा इंसानियत प्यार मोहब्बत है, उसी पे हम लोग कायम हैं और हम लोग लगे हुए हैं। ये हमारा जुलूस यहाँ से निकलेगा, नगर निगम जाएगा, नगर निगम से शामारूफ होते हुए घंटाघर होते हुए कोतवाली होते हुए हड्डी माई के स्थान से वापस यही इमामबाड़ा पूरा फाटक में खत्म हो जाएगा। ये देखिए 12 वफ़ात का जुलूस है आज 19 अक्टूबर को सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, अलग अलग जगह ड्यूटियां लगाई गई थी, जुलूसों के साथ ड्यूटी लगी थी, प्रमुख चौराहों पे ट्रैफिक डाइवर्जन का भी कार्य किया गया था, ट्रैफिक की भी ड्यूटियां लगी थी। अभी ये जुलूस जारी है, कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगे। अभी तक जुलूस ठीक से ही निकल रहे हैं, जनता ने काफी सहयोग किया हमारा, हमारी उम्मीद है कि जुलूस जो है किस तरह से अच्छे से समापन हो जाएंगे।